एवरीवन, वेलकम बैक। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आप इसको अगर लेफ्ट ओवर राइस के साथ बनाएंगे तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। और वो रेसिपी है वेज फ्राइड राइस की। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसको बनाने के लिए आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, जैसा कि मैंने बताया कि आप जब भी फ्राइड राइस बनाएं हमेशा राइस को पहले से कुक करके उसको फ्रिज में ठंडा कर लें ताकि आपका जो राइस है उसके सभी दाने खिले खिले हों। दूसरी बात कि आपने देखा होगा चाइनीज फूड में स्पेशली जो चॉपिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो जितना फाइनली आप वेजिटेबल्स को चॉप करेंगे उतना अच्छे आपके फ्राइड राइस बनेंगे। थर्ड थिंग कि यूजुअली जो फ्राइड राइस होते हैं उसमें ससमे ऑयल का यूज अगर हम करें तो वो बहुत अच्छे बनते हैं, बट अगर किसी को ससमे ऑयल पसंद नहीं है तो वो नॉर्मल कोई भी ऑयल यूज कर सकता है, बट आप इसमें घी का यूज ना करें। तो चलिए देखते हैं हमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए फ्राइड राइस बनाने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली वीडियो को भी देख सकें और उनके अपडेट्स आप ले सकें। तो चलिए बनाते हैं वेज फ्राइड राइस। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक। यहाँ पर हमें गार्लिक कम लेनी है, जिंजर ज्यादा लेना है। 2 टीस्पून जिंजर लेंगे जिसको हमने फाइनली चॉप किया हुआ है। यहाँ पर एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जिस कढ़ाई में आप फ्राइड राइस बनाएंगे वो कढ़ाई बहुत पतली होनी चाहिए, बहुत हैवी कढ़ाई आप इसमें ना यूज करें। 1 कप चॉप्ड अनियन। अनियन को हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। यहाँ पर हम इन्हें डार्क ब्राउन नहीं करेंगे या गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। 1 टीस्पून ग्रीन अनियन ले रही हूँ मैं। 1/2 कप चॉप्ड ग्रीन बेल पेपर। 1/2 कप कैरेट्स। कैरेट्स को भी आप छोटा छोटा काट लें। अब हम अपनी सारी सब्जियों को, क्योंकि ये सब्जियां कच्ची हैं तो हमें इनको पूरी तरह तो नहीं पकाना है बट हमें इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। इस राइस में हमें सब्जियां थोड़ी सी चंकी चाहिए। अब मैं यहाँ पर एड कर रही हूँ 1/4 कप मटर। मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर ली है, आप चाहे तो फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं। 1/4 कप कॉर्न, आप बेबी कॉर्न भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए इसी तरह से पकने देंगे। सॉल्ट में यहाँ पर अभी इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ कि अगर मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी तो हमारी जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ देंगी, क्योंकि बेल पेपर में काफी पानी होता है। जब हमारी सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी तब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे जो राइस है वो कितने खिले हुए हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप्स राइस लिए हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। हमारी सब्जियां पक चुकी हैं, अब हम इनको सब्जी में ऐड कर देंगे। राइस ऐड करने के बाद आपको इसको चलाते रहना है। हमें यहाँ पर थोड़े से राइस को बहुत हल्का सा बर्न करना है, तो आप यहाँ पर फ्लेम हाई रख सकते हैं, बहुत ज्यादा लो फ्लेम रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा लो फ्लेम रखेंगे तो आपके राइस जो है वो टूटने लगेंगे। अब यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून सॉल्ट, आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। कुछ देर तक हमें राइस को सॉल्ट और शुगर के साथ इसी तरह से सॉटे करना है ताकि उसके अंदर एक अच्छा सा कैरमलाइज फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस। अगर आपको सोया सॉस बहुत ज्यादा पसंद नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे ब्लैक पेपर थोड़ा ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको यहाँ पर 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर ऐड करना है। अब ये अच्छे से कुक हो गया है, अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा देर तक कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बने हैं। अब मैं यहाँ पर फ्राइड राइस को गार्निश करूंगी ग्रीन अनियंस के साथ। और ये देखिए हमारे फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल। जरूर ट्राई करिएगा।